नमस्कार, वेलकम टू साइंसट्रोपीडिया चैनल। और साइंसट्रोपीडिया के इस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दिस वीडियो विल बी बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, सो आई विल गिव द टाइम स्टैम्प एंड यू कैन क्लिक अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज प्रेफरेंस। अपनी भाषा के अनुसार टाइम स्टैम्प पे देख लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश में, दोनों भाषाओं में ये वीडियो है आज आपका। और वीडियो है कि आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में किस स्टेज पर हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। देखते हैं सबसे पहले कि आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में कौन सी स्टेज पर हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, एग्रेसिव भी हैं, पास्ट की बातों को ज़्यादा सोच रहे हैं। सो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी एंड देन इंग्लिश। पहले मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी, फिर इंग्लिश में। बॉटम ऑफ द डेक, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। चलिए उस शोजन से देखते हैं ट्विन फ्लेम में आपकी जर्नी कौन से स्टेज पर आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं। सोलमेट आल्सो, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम जर्नी। हाँ, तो कल शाम 5 बजे मैं आ रही हूँ लाइव टैरो रीडिंग लेके आप लोगों के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए। पास्ट की चीज़ को सोच के दिमाग मत ख़राब कीजिए। पीपल आर थिंकिंग वेरी मच, फ्यू पीपल, फ्यू व्यूअर्स आर थिंकिंग वेरी मच अबाउट द पास्ट। बॉटम ऑफ द डे, क्लिंजिंग टू द पास्ट। सी वॉट आई टोल्ड यू, डोंट थिंक अबाउट द पास्ट। लेट्स सी वॉट द कार्ड आर वॉन्ट्स टू टेल यू रॉन्ग। ओके, सो गाइस, मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम सोलमेट की 4 स्टेजेस दिख रही हैं, 4 स्टेजेस दिख रही हैं, जिसमें से पहले स्टेज जो मुझे दिख रही है वो दिख रही है रनर की। और रनर की स्टेज में ये हो रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट है अपने अंदर कि व्हाट इफ़ आई लूज, अगर मैंने ये कनेक्शन में जाऊँ या ना जाऊँ, कन्फ्यूजन है। क्या होगा अगर मैं फ़ेल हो गया, अगर रिलेशनशिप बाद में जाके एंड हो गया, फिर मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, और मैं अपनी लाइफ कैसे जीऊँ। ठीक है ना, तो ऐसे व्यक्ति शायद रात को ठीक से सो भी नहीं पा रहे होंगे, शायद उनको नींद स्लीप डिसऑर्डर भी हो रहे होंगे। तो ये है कुछ लोगों की रनर की स्टेज। और आपकी जो स्टेज मिलती है या आपके पार्टनर की अगर आपको पता है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं। दूसरी स्टेज जो मुझे दिख रही है उसमें मुझे थोड़ा सा दिख रहा है एक चेजर की एनर्जी आ रही है,
जिसमें कि वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इल्यूजन में हैं, ड्रीम में हैं बहुत ज़्यादा, और वो सोच रहे हैं कि कितना अच्छा हो, मैं अपने पार्टनर को ड्रीम में भी देख रहा हूँ और मुझे दिख रहा है कि वो मेरे साथ है, या वो इमेजिनेशन में है कि उनका पार्टनर उनके साथ है, वो उनके पास जा रहे हैं, मिल रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और इसलिए उनको बहुत अच्छा लग रहा है। एक फ्रेंडली उसमें वो बात कर रहे हैं, जेस्चर में उनके पास प्रपोज़ल, दोनों एक दूसरे को प्रपोज़ कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और तो उनको कोई ज़रूरत नहीं लग रही कि अपने पार्टनर से फिज़िकली मिलें। तो पहली स्टेज में वो डरे हुए हैं, दूसरी स्टेज में वो ज़्यादातर ड्रीमिंग स्टेज में हैं, बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग स्टेज में हैं। और तीसरी स्टेज जो मुझे दिख रही है, वो दिख रही है एक ऐसे व्यक्ति की जो बहुत लेज़ी है, जो वेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, और वो सोच रहा है कि बस मैं आराम से अपना मॉर्निंग को एंजॉय करूँ, मैं आराम से अपने मी टाइम को फोकस करूँ, मैं अपने काम पे दोबारा ध्यान दूँ, और मेरा ट्विन जो है वो टेलीपैथिकली अगर मुझसे बात कर रहे हैं तो मेरे लिए अच्छा है, मैं उनसे टेलीपैथिकली ही बात करूँ। लेकिन तीनों स्टेज में पास्ट की चीज़ों को सोचा जा रहा है, ये मैं देख रही हूँ, और बहुत ज़्यादा सोचा जा रहे हैं। और इस थर्ड स्टेज में जो स्टेयर है वो पहले से बहुत ज़्यादा, पहली दो स्टेजेस से ज़्यादा बैलेंस है, और वो अपने काम पे ध्यान दे रहा है, लेकिन उसको पता है कि उसका ट्विन फ्लेम उसका वेट कर रहा है, ये उसको पता है, और टेलीपैथिकली उनकी बातें भी चल रही हैं। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रही है यहाँ पर। वेयर एज़ पहली स्टेज में वो खुद में कन्फ्यूजन में है, दूसरी स्टेज में वो इल्यूजन में है, ड्रीमिंग स्टेज में है, यहाँ पर उन्हें कन्फर्म है कि उनका पार्टनर उनसे टेलीपैथिकली बात कर रहा है, जिसके लिए वो पूरा दिन काम करने के बाद रात को आराम से बेड टाइम पे बात करते हैं, टेलीपैथिकली मैसेज भेजते हैं। फोर्थ स्टेज में मैं देख रही हूँ कि एक इल्यूमिनेटर की स्टेज है, जहाँ पे वो बहुत शांत हैं, बहुत अच्छे हील हो चुके हैं, उनको पता है कि उनको अपनी हीलिंग पे काम करना है, उन्हें ब्लॉसम होना है, उन्हें अपने पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, अपने पे ही फोकस करना है, उनके पास कोई टाइम नहीं है इवन अपने ट्विन फ्लेम के बारे में सोचने के लिए। बहुत शक्तिशाली हैं और वो जानते हैं कि एक डिवाइन टाइम पर सब कुछ होगा, ठीक है ना, तो वो वेट कर रहे हैं डिवाइन टाइम का, डिवाइन टाइम पे सब कुछ होगा, इसलिए अपने ट्विन फ्लेम के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि अपना काम कर रहे हैं, सब कुछ उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है ट्विन फ्लेम के बारे में सोचने की, कब पूरा होगा जर्नी, कब हम मिलेंगे, कब फिज़िकली मिलेंगे, या कभी हम आमने सामने होंगे, या वो कब थर्ड पार्टी को छोड़ के आएगा, कुछ नहीं, वो अपने पे काम कर रहे हैं, अपनी हीलिंग पे काम कर रहे हैं, और उन्हें अपने से मतलब है, और ये इलेमेंटर की बेस्ट स्टेज है। तो इनमें से कौन सी स्टेज पर आप हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कि एक है चेजर जो बहुत डरा हुआ है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में जाना है कि नहीं जाना है, और अगर रिलेशनशिप एंड हो गया या बात नहीं बनी या सामने वाले ने रिजेक्ट कर दिया। तो दूसरा है जो कि जानता है कि इसका ट्विन फ्लेम है, उसके बारे में सोच रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने ऊपर वर्क कर रहा है, अपना काम कर रहा है, और उसके बाद वो फिज़िकली मिले ना मिले, लेकिन उसको पता है कि वो अपना आराम से काम करके और अपने इल्यूजन में ही अपने ट्विन फ्लेम के साथ है। तीसरी स्टेज देख रहे हैं आप, जो जहाँ पे वो है कि उनको लग रहा है कि आराम से अपना मी टाइम निकालें और अपना काम करें और टेलीपैथिकली अपने पार्टनर से बात करें, फिज़िकली हो या ना हो। लेकिन फोर्थ स्टेज जो है सबसे ज़्यादा हील्ड स्टेज है, ब्लॉसमिंग है, जहाँ पे उनका कोई वेट नहीं है पार्टनर का, सब पोस्टपोन कर दिया उन्होंने, उनको सिर्फ ये लग रहा है कि मुझे अपना मी टाइम निकालना है, अपने ऊपर फोकस करना है, कैरियर पे फोकस करना है, अपने मनी पे फोकस करना है, और डिवाइन टाइम पे सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ये चार स्टेज हैं। पहली स्टेज है रनर, दूसरी स्टेज है चेजर, तीसरी स्टेज है स्टेयर की, और चौथी स्टेज जो है वो है इल्यूमिनेटर की। इन चार में से किस स्टेज पे हैं आप, ये ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ट्विन फ्लेम और सोलमेट की इस जर्नी में आप कहाँ पर हैं, ये ज़रूर बताइएगा, और फिर हम एक और अच्छी और डिटेल रीडिंग करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाउ इन इंग्लिश।
So, hi, welcome to Sciencetopedia channel, and I'm Dr. Divya Srivastav. Today I have brought a different kind of reading, and the toy title is that on the soulmate and twin flame journey, on which stage you are, or if you know about your partner very well, about your partner, on which stage your partner is. So let's begin without wasting the time. I have already shuffled the card and take out the card, and so the cards are like this. The first stage is the stage of chaser, where the person is very much conflict in him or herself, in the mind of the person, and the person does not know where the twin flame journey or soulmate journey is going ahead, and whether he or she should. So I will take only he, just see it as energetically, where the person is going in this journey and whether the other person will accept him or not, or what will happen, what will be the outcome. So the person is very much in the confliction mode, in the runner stage, and the person is very much fickle minded, even I think having some sleep disorder and all, and very much conflicted in the mind. So this is the chaser, and very much fearful about the journey, about the person, about the relationship. No confirmation is there because the person is very much in doubt. And the second stage what I'm observing is the chaser stage, where the person is a bit relaxed but living in the dream actually. And in the dream, without any physical contact, the person is with the twin flame and laughing and roaming around and singing and chatting and offering something, gifts and all, and very much happy. And the person does not need the physical contact of his twin flame, his or her twin flame, but very happy in the dreaming, daydreaming. This is the chaser energy. The third energy what I've observed is the stare energy, where the person is bit relaxed but need most of the time need the me time, where the person is not waiting about the twin flame, just know that busy in his own work schedule and everything, and also telepathically the person is contacting with the other person, with the twin flame or soulmate, and at the bedtime, especially in the night time, and not talking with the person physically or in this world. For example, the person, whole day the person is doing his or her own work, but at the bedtime the person is talking and sending the message telepathically to the person, early morning or the late night time. This is the third stage of stare. But the most effective and fourth stage is, I have observed, is illuminator, where the person even doesn't want to think about the twin flame, and he does not have or she does not have the time to even think about the twin flame. Most of the time the person is doing working on his or her healing, blossoming like a master, and the master knows that everything will be on the divine time, everything will be there, even the union of the twin flame and soulmate. So the person is not bothering about the reunion, and busy in his or her own healing and healing process and own work. And everything the person has left on the, or postponed about the twin flame journey and everything. The person is quite busy in his or her, blossoming, and you can say healing, and waiting for the right time. So these are the four energy I have observed right now in your twin flame and soulmate journey: the chaser, the runner, the steer, and the illuminator. On which stage you are. Or you think that you are there, or on which stage you think that your partner is there, just write in the comment box and I will definitely reply about your answer. And I'm waiting for your response also. So that's all for today, and this is your short reading about the twin flame and soulmate journey stage. And tomorrow I'm coming at 5 p.m. in the evening with the live love and relationship free tarot reading. So be ready with your question. I'll meet you soon. Thank you very much.